Hi, this is Avika Gaur. Please do follow Shafi Sameer Fitness. Hi guys, welcome back to Shafi Sameer Fitness. तो आज का व्लॉग बहुत ही सुपर होने वाला है क्योंकि आज मैं खुद कहीं पर गेस्ट हूँ, तो फिर मेरे साथ बने रहिए। वैसे मेरे साथ बने हुए हैं मेरे खास दोस्त, मेरे अजीज, मेरे उबैद अल हाजरी, बिल्कुल जो है कैमरे के बैक साइड में है। तो कुछ वक्त मुझे दीजिए, मैं पहुंचने वाला हूं वहां, तो बने रहिए फिर। सो गाइस, आप लोग जो है ना कमेंट कर हमें बताइए कि आप ये सनग्लासेस में से कौन सी सनग्लास आपको अच्छी लगी, तो मैं जो है ना वही पहनूंगा। काफी लोग का कहना है कि काफी लोग ये डर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन, ये कोविड के बाद ओमिक्रॉन वगैरह वगैरह जो है ना लोगों को डरा रहा है। तो गाइस, डरने घबराने की बात नहीं है, अच्छे से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रांग जी। तो फिर ये जो वायरस वगैरह है, ये वायरस आप लोगों का क्यों, आप लोगों को क्यों, हमको क्यों नहीं करेगा, हमको भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, तो फिर बने रहे। ये एक और आ गए, क्या समझते थे नहीं आओगे, तो फिर आ गए। एक और कलेक्शन है मुझे, मेरे पास यहाँ पर कार में मैं अक्सर रख देता हूँ। तो फिर मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि आप लोगों को इन सनग्लासेस में से कौन सी अच्छी लगी। चाहिए निकल लगा दो चाहिए। Igniting your passion, the fire in the belly, as your motivating factors. They don't need to come and tell you every day inspiration quotes. Inspiring. So I hope all of you have learned as much as I did. Now I would like to, we have amongst us a fitness consultant, Mr. Shafi Sameer. He has worked as a fitness consultant at the Indian Army, 6th Battalion, Unit, and Taj Mahal. He worked as a fitness consultant in the National Kapali Dalal. He was Mr. Telangana, Mr. Andhra Pradesh, Mr. South India. He participated in senior national bodybuilding competition, was in the top 15 participants for Mr. Asia. Sir, I would like you to enlighten us with some of your. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसे कि आप लोगों ने सुना, अभी मैंने 2 महीने आर्मी को ट्रेन किया है, हैदराबाद में एक और एक सिकंदराबाद में। जब कभी भी बात फिटनेस की होती है, जब कभी भी बात भीड़ की होती है, तो काफी लोग जो है ना बोर फील करते हैं, बिल्कुल सुनते भी नहीं है, मतलब इग्नोर कर देते हैं या फिर लेजीनेस आ जाता है, खासतौर से इन चीजों को। जो चीज काम की चीज होती है, उन चीजों को जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, उन चीजों के लिए जो है ना हमारे पास वक्त नहीं होता, काफी एक्सपोजर होते हैं। मैं ये आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग टीन एजर्स के लड़के हो काफी, तो आप लोग स्टार्टिंग से जो है ना मोटिवेट रहिए, इंस्पिरेशन आप जो है ना बनिए किसी और के। आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने जो शख्स ठहरा है, जो छठी से भी ठहरा है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल का जो है बंदा था, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना काफी गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे,
तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आकर मिस्टर एशिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा सकता है, तो ये तो एक आजा इंटरनेशनल स्कूल है, तो आप लोग कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। एक और बात ये है, मैं जब 2-3 ईयर्स का था, सिर्फ 2-3 साल का था, मेरे पेरेंट्स गुजर गए, मेरे मम्मी का इंतकाल हो गया, फिर मेरे फादर का इंतकाल हो गया, तो मेरी जो परवरिश हुई है मेरे ग्रैंड फादर मदर ने की है, और सारी चीजें जो है ना मेरे ग्रैंड फादर और मदर ने किए है, और आज जो कुछ भी होता है उनकी बदौलत ही हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने ढल कर कुछ अल्फाज और कुछ बयान कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद यही है कि आप लोग जो है ना अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। मैं खासतौर से यहाँ पर इन्वाइटेड हुआ हूँ आजा इंटरनेशनल स्कूल में, इम्यून सिस्टम फिटनेस की तरफ, क्योंकि आजकल लोग जो है ना फिटनेस की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, बुराई की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, जैसे कि हुक्का हो गया, मीट हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, गलत जगह की जगह बहुत कम जो है ना मौजूद होते हैं। जहाँ पर आपको फिटनेस मिलती है, अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, वहां पर जो है ना कोई नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ सारे लोगों से कि आप लोग जो है फिटनेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, क्रिकेट हो, जो भी आपको मतलब आपका जो भी पैशन है, आप जो भी आपको पसंद है स्पोर्ट्स, उसके ऊपर आकर आप अपना करियर बनाइए, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपने सिटी का नाम, अपने स्टेट का नाम, हमारी कंट्री का नाम रोशन करिए। ऐसे ही थैंक यू सो मच। Gaur, please do follow Safi Sami Fitness. Just comment, share, do whatever you have to. तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।